और एक अहम खबर, स्टेट डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि गाय के नाम पर गाय रक्षकों का मॉब लिंचिंग जारी है। भारत समेत बीजेपी लीडरान इस रिपोर्ट को खारिज व मोदी के तहत तासुब बरतने का इल्ज़ाम आयद किया है। अमरीकी वज़रात दाखला के मुताबिक मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में अकलियती तबका, खासकर मुसलमान को गाय ज़बह करने या तिजारत करने की अफवाह में तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और साल 2018 में भारत के बहुत सारी रियासतों ने मजहब की तब्दीली और गाय को लेकर कानून बनाए हैं जिसका मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना है। साथ ही इस रिपोर्ट में भारतीय अदलिया की काफ़ी तारीफ की गई है जो इसने इस मामले में नोटिस लेकर फाल किरदार अदा किया है। दूसरी तरफ इस रिपोर्ट को हिंदुस्तानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने सिरे से खारिज करते हुए इसे गलत ठहराया है और भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया है।